बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तो तमाम अपने चुनावी वादों में भी 2 करोड़ नौकरियों का वादा करती आ रही थी, पर कहीं ना कहीं सरकार पिछले कुछ समय में जैसे 2018 में एसएससी और जीडी के जो कैंडिडेट है जिनका मेडिकल एग्ज़ाम सब कुछ फिट था तो उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। इसी को लेकर तमाम जो स्टेट के वेस्ट बंगाल झारखंड से तमाम जहाँ हरियाणा जो उत्तर प्रदेश तमाम स्टेटों के जो कैंडिडेट पास क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है 2018 से। तो इस समस्या को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जानेंगे उनसे कि क्या कारण वो समझते हैं कि सरकार उनके तरफ जो ध्यान नहीं दे रही। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम राजू कुमार है और मैं झारखंड से हूँ और मैं एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ। मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि हम लोग 2018 में वैकेंसी आई थी 60,210 वैकेंसी आई थी, उसमें हम लोग तीनों चरण पास कर चुके हैं और ये वैकेंसी को 54,000 ही सीट भरा गया और 6,000 इसमें खाली है और हम लोग इतने ऐसे मतलब आपको 60% ऐसे लड़के हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और हम अपनी बातों को सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे और वर्दी दे और देश की सेवा करने के लिए मौका दे। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही, हम लोग 9 महीने से दिल्ली के सड़कों पर घूम रहे हैं लेकिन ये सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। सर ये आपके चैलेंज से माध्यम से हम बताना चाहते हैं सरकार को कि हमारी बातों को सुने, अतः हमारे जितने लड़के हैं ये रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सर हमारी बातों को सुने, बस यही कहना चाहते हैं। सर आप 2018 के सब कैंडिडेट हैं तो अभी आपको कितना विश्वास है क्योंकि 3 साल का वक्फा तो हो गया, 2021 है 2018 के हैं, तो आपकी मांगे क्या सरकार? जायज मांगे सर, बिल्कुल जायज है। ये सरकार सुन नहीं रही है, तानाशाह सरकार है, सुन नहीं रही हमारी लड़कों की आवाज़ से, मान लो जो इतना स्टूडेंट है ये बात सुन नहीं रही है। सर बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को वर्दी दे, सरकार से ही मांग है। पहले भी आप बोल रहे हैं प्रोटेस्ट किया? जी बिल्कुल, 9 महीने से हम लोग दिल्ली के सड़कों पर घूम रहे हैं, 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं सर, 9 महीने से घूम रहे हैं लेकिन हमें वर्दी मिल नहीं रही है। सर ये सरकार सुन नहीं रही, हमारी बातों को सुन ही नहीं रही है। तो किसी से मिलने की कोशिश की आपने? बिल्कुल हम लोग मंत्रालय भी गए थे, अगले बार प्रोटेस्ट में जब आए थे दूसरे मंत्रालय भी गए थे, मिनिस्ट्री ऑफिस भी गए थे लेकिन वहाँ पे हम लोग को भड़काया गया, मतलब एक गुमराह की रास्ता दिखाया गया, वहाँ से कुछ बात सोल्यूशन नहीं निकलता, ये बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला लेकिन हम बता दें कि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, हमारी बातों को सुना जाए। हाँ सर ये सरकार सुन नहीं रही है, तानाशाह सरकार है। सर कितने कुल ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं ऐसे? ये 55,000 कैंडिडेट हैं ऐसे जो रिमाइंडर हो चुके हैं, उन सभी को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए और वो सभी चीज़ पास हो चुके हैं, उनका हक है सर वर्दी पाने की। और सर अभी यहाँ पर हम सुन रहे थे नारे लग रहे थे कि जो बीजेपी सरकार है वो नौकरी देने में असफल रही है, रोजगार देने में, तो उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस समय कि हम लोगों जो भर्ती प्रक्रिया है रिटर्न हम लोग क्लियर करे हैं, फिजिकल क्लियर किए हैं, मेडिकल क्लियर किए हैं, तीनों चरण पास किए हैं, तो मैं सरकार से ही उम्मीद लगाया हूं कि मुझे अब ये ज्वाइनिंग भी दे क्योंकि हम लोग अब ओवर एज भी हो चुके हैं और लमसम 3.5-4 साल का प्रक्रिया ये चला है, कोरोना काल में हम लोग दर दर की ठोकरें खाए हैं और हम लोग कैसे कैसे बिताए हुए हैं ये हम बयान नहीं कर पाते हैं पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को ज्वाइनिंग दे और हम लोग भी देश की सेवा करने का मौका दे हमें। मोदी जी अपने स्पीच में कहते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार कहाँ दिख रही सर, हम तो युवा ही हैं और रोजगार की बात तो हम लोग घूम रहे हैं सर दिल्ली की सड़कों पर फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रही है, तो मोदी जी कैसे कहते हैं कि हर साल दो करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार कह के नहीं देते, जुमलेबाजी खाली करते हैं, इनकी सरकार में कुछ नहीं है, बस भ्रष्ट है और ये क्या बोलते हैं भ्रष्ट सरकार है सर, और महंगाई तो कहना ही नहीं है, तो चरम सीमा से पार हो चुकी है सर। 60,210 पद दिया था जिसमें से ये सिर्फ 54,000 बच्चों को सिर्फ एंट्री दिया है और उसमें भी 6,000 कम करके ज्वाइनिंग लेटर जारी किया है, ये सरकार हम लोगों को नहीं सुन रही है और हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी। आप किन किन मंत्रालयों से मिले, कैसा आश्वासन मिला? आश्वासन हम सर गृह मंत्रालय के पास गए थे, वहाँ आश्वासन पहले मिला गया कि आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा,
एक दो दिन चार दिन दस दिन की सप्ताह एक सप्ताह की मांग रखी थी उन्होंने, एक सप्ताह के बाद आप लोगों को बात हम बुलाएंगे आपकी बातों को रखा जाएगा, लेकिन फिर वहां से कुछ हम लोग को आश्वासन नहीं मिला, वहां से ठोकर मिली, वहां से कुछ बात सुना नहीं गया, फिर हम लोग अपना रास्ता आंदोलन का रास्ता अपनाए हैं सर। और अगर बात हमारी सरकार नहीं सुनी तो हम लोग जितने लड़के हैं इसका कुछ अलग कदम उठाएंगे, सरकार को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल ये सरकार को बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, 2024 में सरकार बिल्कुल टूट जाएगी, ये हम लोग लिखित बोल रहे हैं सर। क्या नाम सर? अजीत कुमार नाम है, यूपी चंदौली डिस्ट्रिक्ट से नक्सल से हम लोग आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग प्रशासन से ये कहना चाहेंगे जो हमारे SSC में सीटें खाली हैं और जो हमारी मांग है हमको वर्दी दें, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, और हम लोग फरवरी से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग परमिशन भी नहीं मिल रहा था, और इस बार हमारे यहाँ दिल्ली सरकार ने हमको परमिशन भी दिया, 15 तारीख तक हम लोग को यहाँ पर बैठकर धरना देना है, प्रोटेस्ट करना है, हमारी मांग है कि हम लोग के जो रिक्त पदे हैं उनको ज्वाइन दिया जाए। सरकार से उम्मीद कितनी? उम्मीद सर बहुत है हम लोग सरकार से, अभी तक तो उम्मीद ही लगाए रखे हैं। पर 2018 से आप बोले मामला अटका पड़ा है, तो 3 साल हो गए हैं, तो ऐसा है सर कि 2018 में फॉर्म आया था, फॉर्म ने भरा था, फिर थोड़ा रिटेन हुआ, फिजिकल और मेडिकल में करते थे, 2021 आ गया, 2021 में 21 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था, जिसमें कि कटअप जो है इसमें 3 बार लग गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेडिकल की बात भी कटअप, उससे पहले 3 बार कटअप ये रह गया है, अब बहुत सारे बच्चे कटअप लिस्ट से बाहर हो गए हैं, ऐसा SSC के थ्रू 2011 जैसे उससे भर्ती हो रहा है कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप मुख्य कारण क्या समझते हैं कि जैसे आप बोले हैं कि हमारा सब जो फिट था मेडिकल पेपर सब कुछ फिट था, तो उसके बाद भी आप लोगों को नहीं ले रहे हैं, तो ऊपर से जो इस क्षेत्र में है और भर्तियां सरकार कर रही है? सरकार कुछ भर्ती नहीं कर रही, अगर हर साल देखा जाए कि सर बोले कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार को युवा को रोजगार देंगे, अगर ऐसा होता तो हर साल हर बच्चे को कोई ना कोई रोजगार मिलता, लेकिन हर कैंडिडेट का हर साल कोई भर्ती नहीं निकलता है, 4 साल 5 साल पर निकलता है, और बहुत सारे युवाओं का उम्र डेटा ओवर हो जाता है, तो क्या आप करेंगे तैयारी? तैयारी नहीं कर पाएंगे, उनका एज ओवर हो जा रहा है, और हर साल भर्ती निकालती गवर्नमेंट, तो हर साल बच्चे हर साल उसमें कंपटीशन तैयारी करते हैं, हर साल एग्जाम देते हैं, हो सकता है उन लोगों को रोजगार मिल सकता था, लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है, 4 साल 5 साल पर रोजगार निकाल लिए, फॉर्म करी, फिर उसको भी प्रक्रिया करने में 3 साल 4 साल बीत जा रहे हैं, तो फॉर्म अभी डाले हैं, प्रक्रिया होगा 4 साल बाद, फिर तो हम दूसरे फॉर्म को फिलअप ही नहीं कर गएंगे, सरकार ऐसा करे तो कैसे चलेगा, हम लोग को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, और सरकार ये सिस्टम बदलना चाहिए कि हर साल एक नए रोजगार, हर साल हर युवा को फॉर्म भरने की शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 4 साल 5 साल भर्ती निकलती है, अभी देखिए हम लोग का एज ओवर हो चुका है, अभी नेक्स्ट भर्ती आई है, उसमें जिसका ओवर हो चुका है वो तो करने के, फिर वो भी भर्ती करने के लिए 4 साल 5 साल लग जाएंगे, अब वेट करते करते हम लोग का ओवर ही जाता है। कहाँ से हम आए? UP नक्सल डिस्ट्रिक्ट चंदौली से हैं। तो राज्य सरकारों से आपने कोई ऐसे मिलने की कोशिश की? राज्य सरकार का ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती थी, डायरेक्ट हम लोग यहाँ आए, और राज्य सरकार इसमें कर भी क्या सकती है, राज्य सरकार का इसमें कोई वो इन्वॉल्व नहीं है। सेंट्रल सरकार से उम्मीद है? जी हाँ, सेंट्रल सरकार। तो ये तमाम जो SSC GD के स्टूडेंट है 2018 के क्वालिफाई हैं, उनका मेडिकल फिटनेस सब फिट है, उसके बावजूद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, क्या कारण है? सरकार बड़े बड़े वादे लेकर आई थी रोजगार के मामले में, पर रोजगार देने में कहीं ना कहीं वो असफल दिख रही है। मैं रविंदर सिंह, MNTV दिल्ली।